अरे ये तो कोई आम रास्ता बिना सर कौन बावला ये अरे बाइक लेकर आ गया अरे हर कोई तेरे जैसा बावला थोड़ी ना से जो इस रास्ते से आएगा कल तो बड़ा फुदक फुदक के बोले सी मैंने बाइक सीखनी से ले भागी बाइक चल चला के बाइक चलाना सीखो बड़ों ने ना अपने घर के सारे कपड़ों की जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी अब तो खाक सीखूंगी मैं बाइक चलाना मैं भी तोड़वा लिया एक बात बोलू तू कपड़े धोते ना घनी अच्छी लग रही है देख मैंने कल थारे से वादा किया कि मैं तने बाइक चलानी सिखाऊंगा मैं तो तने बाइक चलाने सिखाऊंगा और तू एक काम करना इन कपड़ों को ना इस साबुन में भिगो के रख दे और जब ये फूल जाएंगे ना तब अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के धो दे और इसके बीच में बहुत टाइम मिलेगा तब तक हम अपनी प्रैक्टिस करके आ जाएंगे बाइक चल तुमने कपड़े तो भिगो दिए पहले हाँ मतलब आधा काम तो पहले ही हो गया तुम बाइक चलाने सीखना जा सके सर एक बात तो सर लखा देख बुरा ना मानिए पर पहले ना मन थोड़ा सा शक था कि थारे में दिमाग ना से पर इब एक बात तो साफ होगी कि थारे में दिमाग भी से और तुम उसका अच्छा इस्तेमाल भी कर लो सो तो फिर एक एहसान माफ और कर दे दिमाग चलाने की ट्रेनिंग भी मर से ले ले मैं हाथ धो के आई ठीक सर शक्ल भी धो लियो उड़ गए अपने पर संभाल लियो टूट ना जाए कितनी उड़ने ना तैयार से चल लाखा चल लाखा अपनी मर्जी चले से किसी के हुक्म से ना समझी चल चलो बरदान जी भाभी देख आज मैं तेरे लेके लाई हूँ आज के लेकर आ गया तेरे इस महीने की तनख्वाह के भाभी पर क्यों किया भाभी आपने ऐसा मैंने तो कैलाश बाबूजी को बोला था कि मारी तनख्वाह वो बचत खाते अच्छी तरह जानू मैं सब जानू और मैं तुझे भी अच्छी तरह जानू तो अपनी तनख्वाह लेता ही ना है और कोई उल्टा सीधा विचार ना अपने दिमाग में मतलब मैंने कुछ ना चाहिए तेरी तनख्वाह का मैं तो जो कमाऊ ना अपने बिजनेस से कमा लूं पर भाभी मैंने भी यो पैसे ना चाहिए तो मैं तेरे लिए लाई ना हूं ना मैंने तो यो लागे है कि तू ना वो सुबह बात हो रही थी ना हमारी अंग्रेजी वाला त्योहार थैंक्स हां तो वो थैंक्सगिविंग त्यौहार हां तू वो अच्छी तरह मनाए